दोस्तों, वीडियो अच्छी लगने की सूरत में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। आप सब दोस्तों का शुक्रिया। आने वाली नस्ल में माँ अपने बच्चों से बोलेगी कि बेटा, आपको पालने के लिए जान हथेली पर रख कर मैं 10-10 घंटे ऑफलाइन रही हूँ, तब जाके बड़ा हुआ है तू। आजकल की लड़कियां मर्दों से कम नहीं, लेकिन हमें इसका कोई गम नहीं। माना कि मुस्तकबिल में वो कामयाबी हासिल कर लेगी, लेकिन रात को तो वो हमारे ही नीचे आएगी ना, दे गचा गच, दे गचा गच। बीवी ने शोहर का मोबाइल चेक किया, इसमें कुछ भी गलत नहीं मिला। बीवी सर पकड़ कर बोली, या अल्लाह, मैं ऐसे आदमी के साथ जिंदगी गुजार रही हूँ जिसे कोई घास नहीं डालता। संता, ओए रातों रात तुम्हारी छाती इतनी बड़ी कैसे हो गई और निप्पल भी गायब हो गए? जी तो, ओए जी, आप फिर शराब पीकर पिछवाड़ा चूस रहे हो। गर्लफ्रेंड, आपने कंडोम इस्तेमाल नहीं किया। बॉयफ्रेंड, नहीं जानू। गर्लफ्रेंड बोली, लेकिन क्यों? बॉयफ्रेंड बोला, क्योंकि जानू पैकेट पर लिखा था कि अगर सील टूटी हो तो कंडोम बिल्कुल भी इस्तेमाल न करें। बंता ने संता को तंग करने के लिए बोला, यार तेरा शक्ल तो बिल्कुल मेरे औजार जैसा है। संता बोला, तब तो मैं सोचूं कि भाभी मुझे देखते ही टांगे क्यों पिला लेती है। टीचर, दूध निकालने के बाद भैंस इतनी उदास क्यों होती है? पप्पू बोला, मैडम जब कोई आपके गुब्बारों को 10 मिनट तक दबाए और बगैर या के चला जाए तो आपको कैसा लगेगा? टीचर बोली, निकल जा क्लास से कमीने, तू पढ़ने आता क्यों है? बीवी बोली, आखिर मैं आपका क्या क्या संभालूं? क्या मैं आपका ख्याल रखूं? क्या मैं आपके बच्चों का ख्याल रखूं? क्या मैं आपके वालदेन का ख्याल रखूं? या मैं आपका घर संभालूं? शोहर, तुम बस अपनी जबान संभालो, बाकी सब खुद संभल जाएगा। संता ने अपने दोस्त से कहा, आज तो घर जाते ही अपनी बीवी की चड्डी उतार दूंगा। दोस्त, लगता है आज फुल मूड में है। संता बोला, घंटा मूड में हूँ, कमीने, सुबह गलती से बीवी की चड्डी पहन ली, वो उतारूंगा। पप्पू ने गली में जाती हुई लड़की को पीछे से उंगली कर दी। लड़की, क्या तुम अंधे हो, देख नहीं पाते? पप्पू, क्यों, क्या हुआ? लड़की बोली, कमीने, सही जगह नहीं गई। लड़का बोला, तुम लड़कियां इतनी खूबसूरत क्यों हो? लड़की बोली, क्योंकि हमें अल्लाह ने अपने हाथों से बनाया है। लड़का बोला, कमीनी, बोल तो ऐसे रही हो जैसे हमें तो मजदूरों को ठेके पर बनाया हो। पप्पू, मम्मी कल रात जब मैं पेशाब के लिए उठा तो जैसे ही मैंने बाथरूम का दरवाजा खोला, लाइट खुद ब खुद चल गई। मम्मी बोली, लगता है कमीने, आज तूने फिर फ्रिज में पेशाब कर दी। बीवी बोली, मैं अपने पुलिस वाले शोहर से तलाक चाहती हूँ। जज, लेकिन क्यों? बीवी बोली, क्योंकि इस कानून के सिर्फ हाथ ही लंबे हैं, बाकी आप खुद समझदार हैं। शोहर फोन पर बीवी से, तुम बहुत प्यारी हो। बीवी, शुक्रिया। शोहर, तुम बिल्कुल शहजादी जैसी हो। बीवी बोली, थैंक यू, और तुम क्या कर रहे हो? शोहर, फारिग था, सोचा मजाक ही कर लूं। एक लड़की सड़क पर जा रही थी कि अचानक एक बाइक साइड से आ गई। गुजरी लड़की, ओए क्या मारेगा? लड़का, मूड तो नहीं है, लेकिन अगर तुम कहो तो मार दूंगा। मियां बीवी में लड़ाई हुई। आधा दिन खामोशी से गुजरने के बाद बीवी शोहर के पास आई और कहने लगी कि हमें इस तरह लड़ना अच्छा नहीं लगा, चलो एक काम करते हैं, तुम थोड़ा समझौता कर लो, कुछ मैं कर लेती हूँ। शोहर ने कहा, ठीक है, कहो क्या समझौता करना है? बीवी बोली, तुम मुझसे माफी मांगो और मैं तुम्हें माफ कर देती हूँ। शोहर बेहोश। बीवी, आपके सर से तो खून निकल रहा है। शोहर,
अरे दोस्त ने पत्थर मार दी। बीवी बोली, कमीने को तुम भी कुछ मारते, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं था। शोर बोला, क्या मारता, मेरे हाथ में तो इसकी बीवी थी। नर्स बोली, मुबारक हो, आपके 3 बच्चे हुए हैं। संता बोला, ये तो हो नहीं था, इस तरह की फिल्में जो देखते थे। नर्स बोली, क्या कौन सी फिल्में। संता बोला, धूम 3, गोलमाल 3, मर्डर 3, क्रिश 3। नर्स बोली, अच्छा, मैं तो कुछ और समझी थी। सरदार 2 मीटर लंबे पाइप से हुक्का पी रहा था। दोस्त बोला, इतने बड़े पाइप से हुक्का क्यों पी रहे हो। सरदार बोला, यार डॉक्टर ने तंबाकू से दूर रहने को कहा है। बाप बेटे से बोला, आज तक आपने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे मेरा सर ऊंचा हो जाए। बेटा बोला, पापा आप भूल गए, मैंने एक बार तुम्हारे सर के नीचे 2 तकिया लगाए थे। लड़की लड़के से बोली, मुझसे झूठ बिल्कुल भी मत बोलना वरना मैं पकड़ लूंगी। लड़का बोला, बाकी फिर मैं रोज झूठ बोलूंगा और तुम रोज पकड़ना। लड़की बोली, कमीने, मैंने कहा तुम्हारा झूठ पकड़ लूंगी। केतु नाम का एक शख्स होटल में काम करने लगा। गाक, पिज्जा कितने का है। केतु, 10 रुपए। गाक बोला, इतना सस्ता और बड़े वाला कितने का है। केटू बोला, 15 रुपए। गाक, इस होटल का मालिक बहुत अच्छा इंसान है, मैं आपके बॉस से मिलना चाहता हूँ। केटू, वो मेरी बीवी के साथ है। गाक, बॉस आपकी बीवी के साथ क्या कर रहा है। केटू, वही काम जो मैं इसके होटल के साथ कर रहा हूँ। एक सहाफी ने एक लड़की से सवाल किया कि तुम्हारे पास इतना बड़ा घर, गाड़ी, बैंक बैलेंस कहाँ से आया। लड़की बोली, मेरा सिर्फ तुक का छोटा सा कारोबार है। आधी रात को चोर घर में दाखिल हुआ, आदमी को बेडरूम में बांध दिया और खातून को चाकू दिखाकर तमाम जेवरात उतारने को कहा। औरत बोली, जो चाहो ले लो, लेकिन इसे छोड़ दो क्योंकि ये पड़ोसी का शोर है, मेरे शोर तो आते ही होंगे। शहर के लड़के लड़कियां पटी हुई जीन्स पहनते हैं और पार्टी करते हैं। वही पटी हुई जीन्स पहनकर हम गांव के लड़के भैंसों को चारा डालते हैं। लड़का इम्तिहान देने घर से निकल रहा था। माँ बोली, बेटा क्या तुमने कलम शनाख्ती कार्ड रखा है। बेटा, हाँ। माँ बोली, बेटा हमारी इज्जत भी रख लेना। बाप बोला, बेटा अब तुम शादी कर लो। बेटा बोला, क्यों। बाप, दफ्तर से आएगा तो बना बनाया रोटी मिलेगी। बेटा, वो नौकरानी है ना। बाप बोला, लगता है कि गधे, तुम सिर्फ रोटी की भूखे हो। मैं तो इसलिए भी रात को देर से सोता हूँ, कौन जाने कब किसी का शोर उठ जाए और मेरा नंबर लग जाए।